हल में नासर यंसु, है कोई मेरी मदद करने वाला। ये देखा कि खैमों में शोर मचना शुरू हो गया। आज़ादारन मोहतरम बेग बाबुल हवाइज है, उसकी बारगाह में चलते हैं कि शायद हमारी हाजतों और यकीनन हमारी हाजतें दूर कबूल हो जाएंगी। कहा कि खैमों में शोर मचना शुरू हो गया, तो मौला पलटे वापस और मस्तूरात से अहले बैत से अपने यही कहा कि मैंने आपको नहीं कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ शोर मत करें, ये खैमों की तरफ पलट आएंगे। अंदर से आवाज आई कि जब से आपने कहा है अपनी गुर्बत का एहसास किया है, एक बच्चा है जिसे आराम नहीं आ रहा, कभी इस गोद में जाता है, कभी उस गोद में जाता है, कभी कोई आगोश में लेता है, कभी कोई और आगोश में लेता है, मगर ऐसा बच्चा है कि इसको आराम नहीं आ रहा। अगर कुछ पानी मिल जाए तो शायद इसको आराम आ जाए। अजरकुमुल्लाह। आज़ादारन मोहतरम जानते हैं ना, खैमों में पानी नहीं है, प्यास की शिद्दत है, हर बच्चा तड़प रहा है। बास ने तो बयान किया कि वो खैमे के जिन पे मशकीजें रखी जाती थी, उनकी जमीनों में शायद कहीं कोई नमी के निशान थे, जब जाकर देखा तो ये बच्चे सीने लगाकर उस जमीन पे लेटे हुए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ आज़ादारन मोहतरम, कहा बच्चे को पानी दे दें। मेरे मौला ने बच्चे को उठाया और लेकर गए, जो कहा कि अगर तुम्हारी जंग मुझसे है इस बच्चे से तो नहीं है, इस बच्चे को तो पानी दे दो। हाँ आज़ादारन मोहतरम, मगर क्या कहते हैं जो जुमले इस्तेमाल हुए कि बच्चा उस तड़ तड़प रहा है, बेताब है, जैसे कोई मछली पानी से बाहर आ जाए। हाँ उन लईनों ने पानी तो ना दिया, मगर हुरमला ने उन तीन फल वाले तीर से अली अजहर को सैराब कर दिया। हाँ आज़ादारन मोहतरम, तीर कहाँ लगा? तीर हलक के उस हिस्से पर जाकर लगा जहाँ पे ज़िबा नहीं, जहाँ नहर किया जाता है ऊँट को, जो गर्दन के नीचे की जगह थी वहां जाकर तीर लगा। अब ऐसा तीर था जो हजरत अली असगर की गर्दन से होता मेरे मौला के जिस्म पे पैवस्त हुआ, वो नन्हे से बदन से खून निकला। न जाने कैसा तबस्सुम अली असगर ने किया होगा, अपने बाबा को देखा होगा। अरे उस खून को मेरे मौला ने आसमान की तरफ अपने महासिन को रंगीन किया। अब मक्तल क्या लिखते हैं कि मेरा मौला उस नन्हे से बदन को लेकर, उस लाशे को लेकर चंद कदम आगे बढ़ता है, चंद कदम पीछे हटता है, चंद कदम आगे बढ़ता है। नहीं जाने न जाने क्यों वजह है, शायद यही वजह हो कि किस तरह आप इस बच्चे को मैं खैमों में लेकर जाऊं कि जिसे पानी लेने निकला था वो सैराब हो गया है। आज़ादारन मोहतरम, इस नन्हे से बदन को मेरे मौला ने खैमों के पीछे दफनाया। बास जगह पर लिखा है वो लईन जब शबे आशूरा रोजे आशूरा गुजरने के बाद लाशों को गिनना शुरू किया तो कहा एक बदन कम है। अब उन्हें पता नहीं है, अब नेजे लेकर करबला की सरजमीन पर लगाते रहे, न जाने कब किस नेजे में अली अकबर का बदन।